अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है वजीउल्लाह ख़ान और आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें बहुत से एस्पिरेंट जो होते हैं उनको इस चीज़ में प्रॉब्लम होता है जो कि न्यू न्यू स्टार्ट कर रहे होते हैं सीएसएस की प्रिपरेशन को, कि हम सीएसएस की जो है प्रिपरेशन किस तरह से स्टार्ट करें। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने किस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स पहले पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट आपने बाद में पढ़ने हैं और किस सब्जेक्ट को आपने किस तरह से स्टार्ट करना है, और ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आपने एंड तक ये वीडियो देखनी है ताकि आपको पूरी तरह से समझ आ सके। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला जो चीज़ होती है, सबसे पहली चीज़ वो तो आपके होते हैं सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल ना, जो इस पे मैंने पहले भी वीडियो एक बनाई थी तो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें कि ऑप्शनल को सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रख के सिलेक्ट करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहला मरला ही आपका सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है कि आप कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन रहे हैं। तो पहली चीज़ तो सीएसएस की प्रिपरेशन में ये हो गई। अब आपने प्रिपरेशन तो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टार्ट कर ली, अभी आप चाह रहे हैं कि हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें, लेकिन अभी आप ये सोच रहे हैं कि मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जो आपने ज़रूर फॉलो करनी है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो आइए उन टिप्स को देखते हैं। सबसे पहले जो आपने देखना है कि आपका बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन क्या है, कि आपने जो मास्टर्स किया हुआ है या बीए किया हुआ है वो किस सब्जेक्ट में किया हुआ है। अगर तो आपने सोशल साइंसेस के किसी सब्जेक्ट में किया हुआ है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स वगैरह हो गया और सोशियोलॉजी वगैरह हो गया, इस तरह के जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट हैं अगर आपने इसमें किया हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है, क्योंकि आपके बहुत से सब्जेक्ट आपस में को रिलेटिव होते हैं तो वो आप उनसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले वही सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आपने तैयारी किधर से स्टार्ट करनी है। आपने सबसे पहले वही सब्जेक्ट स्टार्ट करना है जिसमें आपका बैकग्राउंड हो। अगर आप या अगर आपके पास कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ये समझते हैं कि वो आपके लिए इजी है, तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को स्टार्ट करें जो कि आपके लिए इजी हो या जिसमें आपका बैकग्राउंड हो। फॉर एग्जांपल, अभी मेरा बैकग्राउंड जो है वो पॉलिटिकल साइंस में है, तो मैं सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट करूँगा कि पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 और 2 को करूँगा, और इसके साथ मेरे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी जो है अटैच होता है, तो मैं उसके बाद पॉलिटिकल साइंस को ख़त्म करने के बाद, या इसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी आ जाता है तो मैं इसके बाद इसको करूँगा। तो इसी की तरह मेरा पाकिस्तान अफेयर्स भी इसमें टच होता है तो मैं इसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स को करूँगा। तो जिस सब्जेक्ट में आपका बैकग्राउंड हो तो सबसे पहले आपने उस सब्जेक्ट को लेना है जिसमें आपका बैकग्राउंड हो। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, क्यों ऐसा करना है? देखिए, जब आपका एक सब्जेक्ट में बैकग्राउंड होगा, फॉर एग्जांपल आपका 2 सब्जेक्ट में बैकग्राउंड है, तो जब आप उन 2 सब्जेक्ट को शुरू करेंगे तो आपके लिए रिलेटिव इजी होगा बनिस्बत अगर आप एक ऐसे सब्जेक्ट को शुरू कर देते हैं जो आपके लिए बिल्कुल न्यू है और आपका कोई उसमें बैकग्राउंड ही नहीं है, तो आपको उसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर जिस सब्जेक्ट में आपका बैकग्राउंड है वो अगर पढ़ने में आपके 15 दिन ले रहा है तो दूसरा सब्जेक्ट जो है वो आपका 1.5 मंथ भी ले सकता है, ठीक है? तो जब आप 1.5 मंथ तक एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे और आप भी सोचेंगे कि इतना टाइम हो गया है तो मुझसे तो अभी एक सब्जेक्ट नहीं ख़त्म हुआ, तो ये तो अभी 11 सब्जेक्ट और भी रहते हैं, तो अल्टीमेटली आपका मोरल एकदम से ज़ीरो पे चला जाएगा कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन जब आप जो है 2 भी आपके ऑप्शनल हैं, ऐसे सब्जेक्ट हैं कंपलसरी ऑप्शनल कोई भी, दोनों 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इसका आपका बैकग्राउंड है और आप ये समझते हैं कि मैं इसको इजीली तैयार कर सकता हूँ, तो जब आप उसको 15 दिन में ख़त्म कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपका मोरल टॉप पे चला जाता है कि हाँ 2 ख़त्म हो गए, मैं बाकियों को भी इजीली कर सकता हूँ।
तो क्योंकि CSS गेम्स ही नर्व्स की होती है कि किस तरह अपने आप को नर्व्स को कंट्रोल करते हैं, अपनी आपको जो है आप किस तरह से ख़ुद को एक माइंड सेट के साथ तैयार करते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो अगर आप ये वाला सब्जेक्ट जिसमें आपका बैकग्राउंड नहीं है वो उठा के इतने टाइम में करते हैं तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा, और अगर आप इसको करते हैं जिसमें तो आपका मोरल अप हो जाएगा। तो ये है कि आप सबसे पहले उस सब्जेक्ट को शुरू करें जिसमें आपका बैकग्राउंड ना हो, सॉरी जिसमें आपका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड हो। तो आप सबसे पहले उस सब्जेक्ट को, ना कि उस सब्जेक्ट को शुरू करें जिसका में आपका कोई बैकअप या बैकग्राउंड कुछ भी ना हो। अगर कोई ऐसा इंसान जो है तैयारी शुरू कर रहा है जिसका किसी सब्जेक्ट में बैकग्राउंड नहीं है, तो वो आउटलाइन को, कोर्स आउटलाइन को देखे, बी में कर लेता हूँ, विदाउट बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट हैं वो किस तरह से तैयारी करें। तो उसके लिए ये है कि आप कोर्स आउटलाइन को प्रिंट निकलवाएं। कोर्स आउटलाइन को जब आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो उसका एडवांटेज ये होगा कि आप जब कोर्स आउटलाइन को पढ़ेंगे तो उसमें आपको कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट ज़रूर मिल जाएगा जो कि आपको लगेगा कि आप इसको इजीली कर सकते हैं कोर्स कंटेंट को देख के। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों के लिए सोशियोलॉजी बहुत इजी होती है, हालांकि वो इंजीनियरिंग के बैकअप होते हैं, तो बैकग्राउंड उनका इंजीनियरिंग का होता है, तो उनके लिए सोशियोलॉजी तब भी उनको इजी लग रही होती है क्योंकि थोड़ा सा इंसान का किसी ना किसी तरफ टिल्ट ज़रूर होता है, इंटरेस्ट होता है। तो इसलिए कोई जिनका बैकग्राउंड नहीं है वो कोर्स आउटलाइन को देख के फिर भी वही वाला सब्जेक्ट स्टार्ट करें जिसको आप समझते हों कि वो आप इजीली कर सकते हैं। ये ना देखें कि आप इस सब्जेक्ट को इजीली कर सकते हैं तो आप इसको एंड में कर लें, नहीं, उस सब्जेक्ट को सबसे पहले करना है जिसको आप इजीली कर सकें, क्योंकि इससे आपका मोरल बहुत ज़्यादा अप हो जाएगा। आप ये सोचेंगे कि मैंने इतने सब्जेक्ट कर लिए हैं और इतने सब्जेक्ट रह गए हैं, तो मैं अगर इसको कर लिए तो उनको भी कर लूँगा। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है मेरे ख्याल में, बाद लोगों का अपना ओपिनियन होता है, कि आप एक टाइम में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ें, ठीक है, और उसको पूरी तरह से ख़त्म करें। ख़त्म करने के बाद आप दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करें। ये मेरा अपना ओपिनियन है, इससे वो कुछ लोग इख्तलाफ भी कर सकते हैं। एक टाइम में एक सब्जेक्ट का मतलब ये है कि अगर आपने अभी शुरू किया हुआ है पाकिस्तान अफेयर, तो ये नहीं है कि आपने दिन के टाइम पाकिस्तान अफेयर पढ़ा, रात के टाइम आपने जो है पॉलिटिकल साइंस खोल ली, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक दिन में तीन सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आपका 4 महीने गुजर जाएंगे और आपका कोई सब्जेक्ट भी ख़त्म नहीं हुआ होगा। आप भी सोच रहे होंगे कब से कि यार मेरा तो अभी एक सब्जेक्ट भी नहीं ख़त्म हुआ, 3 महीने गुजर गए हैं, क्योंकि आपने तीनों एक साथ शुरू किए हुए हैं, तो अल्टीमेटली आपका एक सब्जेक्ट भी उस टाइम तक, क्योंकि एक सब्जेक्ट पे एक नए बंदे के लिए 15 दिन भी लग जाते हैं और सम टाइम 1 मंथ भी लग जाता है, तो आप 3 4 सब्जेक्ट एक साथ शुरू किए हुए हैं तो आपके 4 मंथ भी गुजर सकते हैं, 2 मंथ बाद भी हो सकता है कि आपका कोई सब्जेक्ट भी ना ख़त्म हुआ हो। तो फिर आप क्या करेंगे, आप एक मेंटली टेंस सिचुएशन में आ जाएंगे, आप ये सोचेंगे कि आप तो नहीं हो सकता। तो इस बेहतरीन तरीका ये, और दूसरी बात ये है कि जब सुबह आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, दिन के टाइम आप उसके अपोजिट सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं सुबह के टाइम पाकिस्तान अफेयर पढ़ रहा हूँ, दिन के टाइम मैंने एवरीडे साइंस खोली हुई है, तो एक स्टेट ऑफ माइंड होती है ना, पहले आप पाकिस्तान अफेयर को डील कर रहे हैं, एकदम से आप साइंस वाले सब्जेक्ट में आ गए हैं, तो एक स्टेट ऑफ माइंड वो टोटल चेंज हो जाती है इंसान की। तो अगर आप कंसिस्टेंट तरीके से एक टाइम में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, मतलब अगर आप पाकिस्तान अफेयर को पढ़ रहे हैं तो आपने इसका टारगेट रखा हुआ है कि 10 दिन के अंदर मैंने इस सब्जेक्ट को ख़त्म करना है, तो आप उस 10 दिन में सिर्फ इसी सब्जेक्ट को पढ़ें, ताकि एक तो आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी, आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है एक ही फ्लो में रहेगा, और दूसरा आपके अंदर सेटिस्फेक्शन पैदा होती रहेगी कि हाँ मैं क्लियर कर रहा हूँ इस सब्जेक्ट को, बनिस्बत इसके कि आप 2 या 3 सब्जेक्ट एट अ टाइम शुरू कर लें। तो ये है तैयारी स्टार्ट करने का तरीका, कि पहले आपने वो देखना है कि जिस सब्जेक्ट में आपका बैकग्राउंड हो वो स्टार्ट करें, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो कोर्स आउटलाइन को निकलवा के देखें कि कौन सा आपको सब्जेक्ट ऐसा लग रहा है जिसको आप ये समझते हैं कि आप इजीली कर सकते हैं, तो उसको सबसे पहले स्टार्ट करें। और तीसरी बात ये है कि एक टाइम में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ें, ताकि आपके अंदर जो सेटिस्फेक्शन का फैक्टर है, जो मोरल है, वो हाई रहे, ये ना हो कि आप बिल्कुल ही डाउन हो जाएं और 2 3 सब्जेक्ट एक साथ स्टार्ट कर लें। तो ये होता है CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का तरीका। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।